शंकर भोलेनाथ, मेरे शंकर भोलेनाथ, तुम गाय हर हर भोले नमः शिवाय, मनो किए जाय मुझ ऐसी लागे मैं हो गई मैं मतवार, तुम्ही जे अमार जुगे जुगे अमी तुम्हारे, अंगना में आई बहार भोजी। केवल भाषा में ही पकड़ नहीं है, भाषा में ये गीत भी गाते हैं, जैसे कि आपने दो चार लैंग्वेजेस को सुन चुका है अभी अभी हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से। तेज हवा का झोंका है उसको किसने रोका है, सबके लिए वो मुश्किल है उसके लिए वह मौका है। सभी के जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मौकाओं को पकड़ लेते हैं, बाधाओं को अनदेखा करके जीवन में आगे बढ़ना यही उनका संकल्प रहता है। ऐसे ही एक शख्स आइए हमारे संग बैठे हुए हैं, जिनसे मैं आपको रूबरू करवाता हूं। जहां तक मुझे पता है वह पिछले 25 वर्षों से गायन के क्षेत्र में अपना पहचान बना चुके हैं, किसी परिचय का मोहताज नहीं है वो। तो आइए उनसे जानते हैं उनके विषय में और आप सभी से परिचय करवाते हैं। उसके पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में, स्वागत है आपका। नमस्कार पंकज भैया, साथ ही सबसे पहले मैं धन्यवाद जनाना चाहूंगा द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स की पूरी टीम को कि जिन्होंने आज पूरा अपना कीमती समय निकालकर मेरे इस गरीब खाने में आए और मेरा कुछ जो गायन का जो लाइन है इस लाइन को और प्रोत्साहित मुझे करने के लिए। तो हर साल मैं 3 सालों से कुछ एक एल्बम बनाते आता हूँ जो भोलेनाथ श्री कृष्ण का बाबा रामदेव जी का, और इस बार भी मैंने एक एल्बम भोलेनाथ जी का बनाया है। तो लोगों ने बहुत सारा आशीर्वाद प्यार दिया, तो मैं इन ग्लोबली द न्यूज़ अपडेट्स के माध्यम से सभी को धन्यवाद जनाना चाहूँगा क्योंकि हम मेरे हर एल्बम को पूरे प्यार से आशीर्वाद देते हैं और अपना आशीर्वाद बरसाते रहते हैं। तो मैं चाहूँगा वो जो नया एल्बम आप निकाले हैं इस बार, उस नए एल्बम के कुछ लाइन हमारे दर्शकों को भी सुनाइए थोड़ा। जरूर, देखिए मेरा जो एल्बम निकला है भोलेनाथ जी का, उस एल्बम का नाम है मेरे शंकर भोलेनाथ, उसकी दो लाइन मैं आप सभी के बीच रखूंगा और साथ ही रखूंगा हमारे जो देवादिदेव महादेव के जो मशहूर जाप है उनका ओम नमः शिवाय, उनकी भी दो लाइनें आप सभी के बीच रखूंगा मेरे सभी प्यारों के लिए। शंकर भोलेनाथ मेरे शंकर भोलेनाथ, तुम दानी महान देना है तेरा काम, शंकर भोलेनाथ मेरे शंकर भोलेनाथ। आए एक प्यारा सा जाप जो भोलेनाथ जी का है वो आप सभी के बीच रखना चाहूंगा। Oh, nama Shiva.
अच्छा लगा। हम उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को भी आपकी ये देवादिदेव महादेव बाबा भोलेनाथ का ये ओम नमः शिवाय और एल्बम दोनों ही शायद पसंद आए उन्हें। तो इसके अलावा और भी आप कोई गाने गाते हैं क्या? देखिए माँ सरस्वती का आशीर्वाद, आप सभी का आशीर्वाद, बड़े छोटे कैसे, जो मैं छोटा मोटा कलाकार हूँ, इतना बड़ा कलाकार नहीं हूँ, लेकिन शुरुआत मैंने भजनों से की थी। उसके पश्चात कुछ बॉलीवुड सॉन्ग और भी बहुत सारे गाने में जैसे प्रोग्राम मुझे मिलता मैं करता हूँ, तो कुछ बॉलीवुड सॉन्ग आप सभी के सामने। तो जैसे कि दर्शक, मैं आपको एक बात और इनके बारे में बता दूँ, ये नॉर्थ बंगाल में सिलीगुड़ी के इर्द गिर्द में और सिलीगुड़ी के बाहर भी ये कई दफ़ा अनगिनत दफे ये बाहर जा करके अपने प्रोग्राम को, अपने जौहर को स्टेज शो के जरिए अपने परिचय को बिखेर चुके हैं। तो आइए इनके मुखारविंद से एक बार बॉलीवुड के कुछ गीतों को आप सबों को सुनवाते हैं। तो हमारे दर्शकों को एक बार बॉलीवुड के कुछ गीतों को सुनाने का आप सबके बीच कुछ गतकाल किशोर कुमार जी का जन्मदिवस था, आज हम लोग पास मिले हैं, तो उनके कुछ गाने आप सबके सामने पेश करता हूं। हसीना से यूं मुलाकात हो गई, क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई, बात और मैं बता दूं इनके बारे में। जैसे कि इनके बारे में मुझे पता चला है कि ये बंगला गाना भी बहुत ही अच्छा गाते हैं, नेपाली भी गाते हैं, भोजपुरी भी गाते हैं और साथ में राजस्थानी भी गाते हैं। तो मैं आप सभी के माध्यम से एक बार इनसे कहना चाहूँगा, आग्रह करूँगा, ये एक ऐसा शहर है कि यहाँ पर सभी भाषा के लोग वास करते हैं, तो हमें किसी भाषा में गाने के लिए कुछ ज़्यादा तकलीफें नहीं करनी पड़ती है, जो भी हम लोग कलाकार हैं, सिंगर छोटे मोटे। तो यहाँ पर मैं आप सभी के बीच, मैंने बहुत से शोज भी किए हैं जिनमें मैं हिंदी गाता हूँ, राजस्थानी में खुद हूँ, उसके पश्चात भोजपुरी यहाँ पर बहुत चलन है, भोजपुरी, फिर बंगाली, फिर नेपाली सॉन्ग, उसके बाद हरियाणवी, पंजाबी, कुछ कुछ भाषाओं में मैं गा के सुना सकता हूँ। तो एक प्यारा सा राजस्थानी सॉन्ग आप सभी के बीच। थारी बात लिया मैं आज की
पूरी रात करी छा ओ थारी बात पेड़ला में आज पूरी रात करी छा ओ आ जा रे मत वाला ढोला मन रे प्यास बुझाया सरसी मन रे प्यास बुझाया सरसी ओ पिया बस है इस गाने में। तो हमारे दर्शकों को बताइए आप जो ये गीत गुनगुनाए इसका अर्थ क्या होता है? ये एक राजस्थानी लोक संगीत का गीत है। इस गीत के अंदर एक प्रेमिका अपने प्रेमी एक पत्नी अपने पति से वो अपने याद में थे कि हे पतिदेव हे प्रेमी देव अगर आप थोड़ी समय के लिए एक रात के लिए अगर आओ तो बैठ कर मीठी मीठी बातें करते हैं। तो पति से अरदास की पिया आओ तो मन रेड़ी बात कर सकें, मतलब मन की जो अंदर की भावना की जो प्रेम की भावना की जो बातें हैं वो बैठ के करेंगे। इस गाने में वो अपना एक भाव रखती है। वाह अति सुंदर। अच्छा जैसे कि हम लोग पश्चिम बंगाल में हैं क्या बंगला का दो लाइन आप सुना सकते हैं किसी गाने का? तो एक बार हो जाए बंगला का भी। देखिए बंगला में बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो हमारे दर्शकों को बंगला का एक दो लाइन अगर आप गुनगुना देते तो बहुत अच्छा होता। चलिए लीजिए आप सभी के बीच एक प्यारा सा रोमांटिक सॉन्ग मैं आप सभी को जो पुराना बहुत ही फेमस सॉन्ग है आप सभी के बीच रखता हूँ। ओ चिरदिनी तुमी जे अमार जुगे जुगे अमी तुमारी अमी आछी से जे तुमार तुमी आछो से अमारी सोंगी सोंगी अम्रा अमार सोंगी। अति सुंदर धन्यवाद। में हिंदी में एक बार भोजपुरी में अगर आप सुना देते तो शायद बहुत अच्छा होता। देखिए भोजपुरी में मैं बहुत सारे भजन गाता हूँ और कुछ भोजपुरी जो रियल लोकगीत है वो भी है। तो वो एक पुराना लोकगीत आप सभी के बीच में रखना चाहूँगा और आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। ओ साची कहे तोरे आवन से हमरे अंगना में आई बहार भोजी लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत अनधन के लागे भंडार भोजी अनधन के लागे भंडार भोजी। ओ साची कहे ओ तोरे आवन से हमरे अंगना में आई बहार भोजी। धन्यवाद स्वागत है आपका। तो जैसे कि आपने पप्पू जी को सुना ये 25 वर्षों से हम आपको प्रथम ही बता चुके हैं 25 वर्षों से गायन के क्षेत्र में हैं और इन्हें तमाम भाषाओं में अच्छी पकड़ है। केवल भाषा में ही पकड़ नहीं है भाषा में ये गीत भी गाते हैं जैसे कि आपने दो चार लैंग्वेजेस को सुन चुका है अभी अभी हमारे माध्यम से हमारे चैनल के माध्यम से। तो मैं आप सबों से यही नर्म निवेदन करना चाहूँगा। तो दर्शकों आपने अब तक सुना पप्पू जी को, अगर आपको अच्छा लगता है इनके तमाम भाषाओं में आपने गायन को सुना, अगर आपको अच्छा लगता है इनके गायन के तौर तरीके तो आप इन्हें बुला सकते हैं। इनका संपर्क नंबर मैं इनसे अभी लेकर के आपको देता हूँ और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इनके चैनल को फॉलो कीजिए जहाँ पे आपको और इनके बारे में जानकारी मिलेगी। तो हमारे दर्शकों को आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए ताकि जिस नंबर पे लोग आपसे संपर्क कर सकें हमारे दर्शक, और अपना यूट्यूब के भी चैनल के बारे में बताइए। देखिए एक बार फिर से मैं धन्यवाद जानना चाहूँगा हमारे बड़े भैया पंकज भैया और द ग्लोबली न्यूज़ अपडेट्स का जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे इस गरीब खाने में आए। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा मेरा यूट्यूब चैनल खोला हुआ जिनका नाम है सिंगर पप्पू वाल्मीकि, मेरे नाम से मैंने खोला है। आप उनको
सर्च करेंगे तो मेरे कुछ वीडियोस आपके पास मिलेंगे, उसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जियो का 8250800283 और व्हाट्सएप नंबर है 9641309157। और आप किसी भी प्रकार के सोच के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, चाहे वो मेहंदी हो, संगीत हो, चाहे मायरा के सॉन्ग हो या भजन संध्या हो या बॉलीवुड सॉन्ग हो, किसी प्रकार के सोच है एंकरिंग के लिए हो, आप हमें हमारे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लीजिए अब आगे की बात, पंकज भैया आपसे कुछ कहेंगे। तो आपने सुना, जुड़े रहे हमारे साथ ऐसे ही अपडेट्स लेकर के, हम पुनः आपके साथ मिलेंगे। आप सबका प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही हमें प्राप्त होता रहे। आप सबका दिन शुभ हो। भारत माता की जय। जय हिंद। जय जय।